नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और इस वक्त हम शाहीन बाग में हैं, और शाहीन बाग में जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उससे दूर हम मौजूद हैं। और आपको ये नजर जो है, गली जहाँ तक नजर आती है उसमें पूरी खचाखच भीड़ है। इस गली में पूरी खचाखच भीड़ है। एक चौराहे पर हम मौजूद हैं, इस गली में पूरी खचाखच भीड़ है। और ये पीछे देखिए, इस गली में जो है पूरी खचाखच भीड़ है। इस तरह का जो नज़ारा है वो नज़ारा रैलियों में देखते हैं। बड़े बड़े नेताओं की जब रैली होती है उसमें इस तरह का नज़ारा होता है। चारों तरफ जो है भीड़ जो है कि चारों तरफ भीड़ का आलम है। लोगों के हाथ में जो है तिरंगा झंडा है। और ऊपर करके दिखाइए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है चारों तरफ से जो है गलियाँ भरी हुई है। आपको बता दें कि लगातार जो है शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उससे काफ़ी दूर हम इस वक्त मौजूद हैं। और चारों तरफ जो है मुद्दा ध्यान हटाने के लिए ये काला कानून लाया है। रोजगार चाहिए हमें, रोजगार। देश में विकास की बात होनी चाहिए, धर्म जात की बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने मुद्दा हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये काला कानून थोपा है। इस काले कानून का हम लोग विरोध करते हैं। और ये काला कानून जब तक मोदी वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग ऐसे सड़कों पर रहेंगे। लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, निकले अपने मकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से। देखिए, ये यहाँ पर नारा है यहाँ पर लोगों का कि दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। ये यहाँ पर जो है लोगों का नारा है। और चारों तरफ भीड़ का आलम जो देखिए, इस तरह की जो भीड़ है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि इस तरह की जो भीड़ है वो रैलियों में देखने को मिलती है। नहीं चलेगी, इस देश के टुकड़े तो गोरे भी नहीं कर पाएंगे। इन मोदी जी की तो औकात नहीं है, हमारे देश के टुकड़े तो वो मोदी तेरी हमारे देश के टुकड़े तो वो गोरे भी नहीं कर पाए थे, तो इन जैसे अनपढ़ों की औकात क्या है जो हमारे देश के टुकड़े करेंगे। अरे इन्हें तो सीढ़ियों का नहीं पता था, तो आज हमसे हिसाब मांगेंगे वीडियो का। हमें चाहिए रोजगार। मुद्दा ध्यान हटाने के लिए ये काला कानून लाए हैं। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए स्वास्थ्य। क्या बताओ, बड़ी भीड़ है चारों तरफ से जो है, सड़कें जाम है, ऐसी तो रैलियों में देखने को मिलता है। ये शायद ये हम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं क्योंकि कल रात से काला कानून लोगों ने लागू कर दिया है, नोटिफिकेशन। हम लोगों को ये, पहले हम लोग गोरों से लड़े थे, अब लोग हम लोग चोरों से लड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह की जो भीड़ है, क्या ये जो रैलियों में ऐसी भीड़ दिखती है, चारों तरफ से सड़कें जाम है, क्या है शाहीन बाग में ऐसा? देखिए, ये आवाम अपना संविधान और अपने मुल्क को बचाने के लिए सड़कों पे है। अपनी मर्जी से आई हुई आवाम है, ये वो जागरूक आवाम है जो ये जानती है कि एनआरसी और सीए जो है एक विशेष वर्ग के खिलाफ है। यहाँ पे जो लोग अपने संविधान से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से बचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश को बरगला को यहाँ बुलाया जाए, नहीं, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं। आप उनको दीजिए, उनको सिटीजनशिप दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए, मगर यहाँ के मुसलमानों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जज्बा है, ये जज्बा है लोगों में। यहाँ पर जो भीड़ है, ये जो आंदोलनकारी है, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आया है। मैं मेरठ से आया हूँ यहाँ की लड़ाई लड़ने के लिए। मेरे साथ 100-150 परिवार यहाँ पर आए हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। जब तक मोदी योगी ये काला कानून वापस नहीं ले लेते तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम लोग ये कह देना चाहते हैं, पहले भी नागरिकता मिल रही थी, इस एनआरसी कैप को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या देश के आधार, धर्म के आधार पे इन लोगों ने क्यों कानून एनआरसी लगाया? धर्म के आधार पे हम देश को बटने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे। हम चाहते हैं, बड़ी बात है कि शाहीन बाग जो है वो केंद्र बन गया है। क्या नाम है आप? वसीम। क्यों आपने जो है ये जंजीरें वगैरह गले में लटकाई हुई है एनआरसी के खिलाफ? जो आसाम के अंदर देखा होगा आपने, अगर हम अपनी बहादुरता साबित नहीं हो पाई तो इसी तरीके से डिस्टेंशन कैंप के अंदर डाल दिया जाएगा। इसी को बताने के लिए हम निकले कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भारत का संविधान दिखाएंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन यही पैदा हुए, यही मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन मोदी तो कह रहे कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो उनसे कहना आसाम के अंदर जो है वो क्या है। आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, सारी मीडिया भी जानती है, और हिंदुस्तान की मीडिया भी जानती है, बाहर देश की मीडिया भी जानती है कि कैंप चल रहे हैं वहाँ पे। देखिए, लोगों का जो है अलग अलग तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग अपना विरोध जता रहे हैं।
लोग कह रहे कि अगर NRC लागू हो गया, जिसके वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जिसके पास कागज नहीं होंगे, तो उनको जो है डिटेंशन सेंटर में इस तरह से डाल दिया जाएगा। ये यहाँ पर लोग जो है विरोध जता करके अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम शाहीन बाग में जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आप भीड़ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ से जो है भीड़ है। इतनी बड़ी भीड़ जो है वो बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ देखी जा सकती है। और एक जो आदमी है मेरे पीछे वो स्पेशली जो है बोल करके बता रहे, क्यों आप कह रहे कि लेडीज इधर से, लेडीज इधर से, लेडीज का इंतजाम अलग हो रखा है इधर को। अच्छा, तो इसलिए लेडीज का इंतजाम अलग है, काफी तादाद में लेडीज हैं जिनको रोकना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से लेडीज की तादाद अलग बना दी गई है। लेडीज अलग है, जेंट्स का अलग है। आप लोग वॉलंटियर हैं जो यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं? हाँ, हम लोग वॉलंटियर हैं, ताकि लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। हाँ। ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। हाँ। आराम से जेंट्स और लेडीज अलग से सब लोग एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। हाँ। और एक बोर्ड लगाया है उधर पीछे, अगर आपकी नजर जाती है तो उधर दिखाइए जरा, वो बोर्ड लगाया है उधर, नो पेटीएम, नो कैश, कैश नो, नो वॉलंटियर को पैसा ना दे, क्या है ये मैसेज? वो किसी के मतलब जो भी वॉलंटियर है कोई पैसा देके नहीं है, सब अपनी अपनी हिसाब से सब लोग मैनेज कर रहे हैं, किसी के इसमें किसी का पैसा लेन देन नहीं है किसी का। यानी बाहर से भी कोई आदमी अगर आता है तो उसको भी पैसा किसी को नहीं देना है? नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना, सब लोग खुद मैनेज कर रहे हैं यहाँ की पूरी टीम। तो इतनी बड़ी जो भीड़ है वो शाहीन बाग की तो जाहिर तौर पर नहीं हो सकती है, तमाम अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, शाहीन बाग की भी बहुत दूर से, देश भर से। शाहीन बाग एक ऐसा स्टेज बन चुका है कि यहाँ से क्रांतिकारी निकल रही है और देश में, पूरे देश में यहाँ की आवाज जा रही है। मैं खुद छतरपुर से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, इतने दूर से। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक धर्म की नहीं है। हाँ। ये पूरा इंडिया यहाँ पे देख रहा है। हाँ। सिर्फ मुसलमान यहाँ पे नहीं खड़ा है पूरा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म, हमने एक जगह डिसाइड करी है। हाँ। कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट होगा, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, इस बारे में लोगों को आमंत्रित बताएंगे। देखिए इस वक्त जो है मंच से करीब करीब जो है 200 से 300 मीटर दूर हम मौजूद हैं, और ये जो है यहाँ से और मंच तक सिर्फ महिलाएं हैं, यहाँ से और मंच तक जो है सिर्फ महिलाएं हैं। और नीचे सड़क की आप हालत दिखाइए, ये देखिए कोई जो है अपनी दरीज लेकर के कैसे तैसे भी करके जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई बहुत तगड़े जो है इंतजाम नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, कोई बड़ी दरी नहीं है, कोई मखमल की चादर नहीं बिछाई है, लेकिन लोग डटे हुए हैं। और यहाँ से बड़ी बात यह है कि यहाँ से दूर जहाँ पर आपको मंच नजर आ रहा है वहाँ तक केवल महिलाएं महिलाएं हैं। क्या कहेंगी? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क में जो ये हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अमित शाह और मोदी ने जो भी मतलब उन्होंने फैसले लिए हैं बहुत गलत लिए हैं। आम पब्लिक को रोड पे वो लेकर आ गए हैं, जो औरतें घरों से नहीं निकलती थी आज वो निकल रही है अपने हक के लिए। इस बात का मुझे जवाब दें मोदी जी कि उन्होंने 6 कम्युनिटी को वो लोग कह रहे हैं कि हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे, और 1 कम्युनिटी से उन्हें क्या दुश्मनी है कि उसको नहीं देंगे। पहली बात तो ये एक्ट कब से आ रही है यहाँ पे? हम आते हैं जब भी, हमें डेली आती हैं औरतें, मैं कभी कभी आती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। अच्छा, औरतें देखिए एक्ट 14 और 15 के तहत सारे सबको बराबरी का समान हक है, तो उन्होंने इसके खिलाफ वर्जी क्यों की? आप यहाँ शाहीन बाग से हैं कहीं और से? मैं जाकिर नगर से हूँ। आप जाकिर नगर से हैं? आप कहाँ से? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, अबुल फजल से हूँ। मैं मोदी से जानना चाहती हूँ कि राफेल के फाइल कहाँ है, हमसे हमारे प्रूफ मांग रहे 40 साल पहले कि हमें प्रूफ दीजिए। अरे आई एम इंडियन, हम इंडियन हैं, हमारे पास ये प्रूफ है, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए उनको? और आपके पास तो राफेल की तुमने फाइल ही गायब कर दी, और हमसे पूछने चले हैं कि प्रूफ चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया इकबाल है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, जामिया में पढ़ती हूँ, मास्टर स्टूडेंट। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? मैं फर्स्ट डे से आ रही हूँ, जब हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़ी गई थी तब से जंतर मंतर भी जाती हूँ, जामिया भी, शाहीन बाग भी, मतलब जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है। शाहीन बाग एक ऐसा जगह बन गई है, यहाँ से जो है दिल्ली से क्या पूरे अलग अलग जगह से जो है यूपी से लोग आ रहे हैं, क्या खास है शाहीन बाग में? ऐसा शाहीन बाग में ये खास है कि यहाँ पे महिलाएं लीड कर रही हैं, और वो एक धरने पे बैठी हैं, वो उठ नहीं रही हैं वहाँ से, और ये मतलब एक परमानेंट टाइप का रेवोल्यूशन टाइप का फीलिंग आती है यहाँ पे आके, कि रात में भी नहीं उठते, मतलब ऐसे नहीं है कि अब हुआ और फिर खत्म हो गया, ये लगातार चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा है। साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है जो यहाँ का प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार महिलाएं है ना बयान दे रही हैं, यहाँ पर कोई मैनेज करने वाला नहीं, आप कोई मैनेजमेंट है सब, आप बराबर है ना, लेडीज को देखेगा जो मैनेज कर रही है, हमारी जो माँ बहने हैं मैं उन्हें देख कर हैरत में जाती हूँ, उनके हौसले अफजाई करने के लिए हम लोग आते हैं कि वो रात दिन इस ठंड में हम ब्लैंकेट में बैठ के, हमें ठंड लगती है, हीटर लगा के ठंड लगती है, मैं सोचती हूँ यार वो जो बैठी है रात दिन उनके हौसले अफजाई करने के लिए हम यहाँ आते हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। शाहीन बाग जो है
क्यों ऐसा लगता है कि शाहीन बाग ही जरूरी है, सब लोग जो है शाहीन बाग पहुंच रहे हैं? शाहीन बाग की औरतों के अंदर जज्बा है, इंसानियत है, पढ़ी लिखी है, हक को जानती है, झूठ सच को पहचानती है। ये शाहीन बाग नहीं, ये आजादी का निशान है। लेकिन ये तारीख, ये तारीख बदलने का निशान है, ये तारीख बदलने की जगह है। यहाँ की औरतें कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हम अपने घर का काम निपटाते हैं, उसके बाद हम यहाँ आकर के टाइम देते हैं। क्यों आपको जरूरी लगता है कि हमें जाना ही है? जी बिल्कुल, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, हमें हमारे हक के लिए लड़ना है। हमारी बहनें बैठी हुई है, हम उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं यहाँ पे, हम इसलिए ही आते हैं। बड़ी बात यह है कि किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे विपक्ष के किसी बड़े नेता की रैली हो, तो वहाँ पर 2-3 घंटे के लिए लोग नहीं रुकते हैं। बड़े बड़े नेता जो है वो मंच से बार बार जो है घोषणा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी पहुंच रहे हैं, फला मंत्री अभी पहुंच रहे हैं। आप लोग सुन के जाइएगा, बाकायदा वहाँ पे पंखे चलते हैं, पानी जो है इंतजाम होता है, लड्डू समोसे का इंतजाम होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ना कोई चद्दर है, ना कोई मेज है, ना कुर्सी है, कुछ नहीं है। और कड़ाके की ठंड है, लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से लेकर के आ रहे हैं, लोग खाना बनाने के लिए घर जाते हैं, वापस लौट करके आ जाते हैं। मानो शाहीन बाग ना हो, चुंबक हो, चुंबक जो है लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या यहाँ से अगर आपको नजर आ रहा है सही सही से, तो कितनी बड़ी संख्या में दूर तक, जहाँ तक स्टेज पर आपकी नजर जाती है, महिलाएं ही महिलाएं हैं। गिनिए कितनी महिलाएं हैं और कितना जो है यहाँ पर जनसैलाब है। तो देखिए, शाहीन बाग में लोग जो है वो उमड़ रहे हैं, और ये केवल शाहीन बाग की भीड़ नहीं है, बल्कि जहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर शाहीन बाग में इकट्ठा जुट रहे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मीडिया के लोग दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन लोग यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं। और शायद इस आंदोलन की सबसे बड़ी मजबूती यही है, इस आंदोलन को जो है ना कोई नेता लीड कर रहा है, ना यहाँ पर कोई बड़े इंतजाम है, और ना इन लोगों को परवाह है कि मीडिया दिखा रही है, हमारी फोटो आ रही है, हमारे अखबार में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस लोग हैं कि शाहीन बाग चलना है और शाहीन बाग में पहुंच रहे हैं, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी